Assalamu alaikum friends, welcome to Tax Masterclass. Tax Masterclass आप देख रहे हैं Tax Dosti YouTube channel पर और Tax Masterclass में हम famous tax cases का brief देखेंगे, उनकी summary देखेंगे, उनका analysis देखेंगे और आज हम देखेंगे 1959 Supreme Court case page 68 पे SS Alam की publication Supreme Court cases की जो book है उसमें CIT East Bengal versus कुमार राम एंड अदर्स का केस देखेंगे. इससे पहले कि मैं केस का ब्रीफ आपको दूं, मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपने दोनों उस्तादों का, डॉक्टर इकरामुल हक जिनकी किताबें मैं जो है पिछले 25 साल से हम पढ़ रहे हैं और उसके अलावा उनके पार्टनर इजाज साहब जो टाइम देते हैं, जिनसे फेस टू फेस मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उन दोनों उस्तादों का बहुत बहुत शुक्रिया. इस केस में जो है जो आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स मास्टर क्लास में वो ये है कि सिविल अपील्स 1D से 4D तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गई और जुलाई 9th 1959 को ये केस डिसाइड किया गया. केस का मेन सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर पर्पस. मकसद ये है कि बेसिकली कौन सी चीज एग्रीकल्चर पर्पस है जिसके लिए कोई चीज एग्रीकल्चर इनकम बन जाती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 9th 1959 को डिसाइड किया कि जो है ना इस केस चार अपील्स का फैसला. जो जजेस इस केस में थे वो थे मोहम्मद मुनीर चीफ जस्टिस, उसके अलावा जस्टिस एम शहाबुद्दीन एंड जस्टिस ए आर कुरिलिनियस. ये थ्री जजेस थे जिन्होंने ये डिसीजन दिया. इस डिसीजन में बेसिकली जो टैक्स डिस्प्यूट था वो टैक्स डिस्प्यूट ये था कि जो चारों एसेसीज हैं यानी जो चारों टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने अपनी जमीनों पर ट्रीज जो है ना सेल किए, सेल ऑफ ट्रीज किए उन्होंने. उससे डेफिनेटली उनको इनकम आई, उस इनकम को उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया और एज एग्जेम्प्ट इनकम शो किया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो ट्रीज हैं ये लैंड के ऊपर लगी हुई हैं और जैसे इनकम टैक्स लॉ में आपको एक जनरल आइडिया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है फेडरल इनकम टैक्स लॉ में वो एग्जेम्प्ट है. हमारी बाकी वीडियोस में अब हम आजकल बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे जो पंजाब में इंप्लीमेंटेड है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है और उसका क्या मीनिंग है तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं. तो जो एसएससीज थे टैक्सपेयर्स थे उन्होंने सेल ऑफ ट्रीज की और उन्होंने इनकम कमाई और उस इनकम को एज एग्जेम्प्ट इनकम शो किया क्योंकि उन्होंने आर्ग्यू किया कि एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम उस वक्त के इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक भी, उस टाइम इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, इस वक्त पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है. तो अगर अभी आपने देखना हो कि ये जो कोर्ट केस है ये कौन से सेक्शन पे, यानी कि इस वक्त जो प्रेजेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कानून है वो किस सेक्शन पे अप्लाई होता है, तो सेक्शन 41 पर जो है एग्रीकल्चर इनकम की एग्जेम्पशन और एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन जिसमें दी हुई है उस पर ये केस अप्लाई कर सकते हैं. यानी कि अगर आज भी आपने इस टैक्स ईयर 2020 में जो है क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम से एग्जेम्पशन क्लेम करनी हो तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए इनकम टैक्स एग्रीकल्चर के खाने में उस अमाउंट को डालते हैं, लेकिन जो आप एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं वो सेक्शन 41 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आप क्लेम करते हैं. तो ये तो एसएससीज ने ये जो है ना किया. उस टाइम पे टैक्स असेसमेंट होती थी और आपका क्या ख्याल है टैक्स असेसमेंट वालों ने क्या किया होगा? तो बेसिकली उन्होंने देवर असेस्ड, यानी ये जो टैक्स पेयर है देवर असेस्ड ऑन देयर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रीज ऑफ देयर फॉरेस्ट फॉर द ईयर्स 1943 से 46 एंड 1947 or 48 49 पर इनकी असेसमेंट हुई ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रीज फ्रॉम द सेल ऑफ विच इनकम वॉज डिराइव्ड. ये जो ट्रीज उन्होंने बेचे सेल किए जिसपे उन्होंने कोई डिस्प्यूट नहीं किया कि हमने बेचे नहीं है, उन्होंने
अपनी टैक्स रिटर्न में यही शो किया कि उन्होंने बेचे हैं, सिर्फ यह कि वो इनकम एग्जेम्प्ट है। तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है सीबीआर उस वक्त का, उसने असेसमेंट इन सालों की, और उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था जैसे आप ऑटोमेटिकली आपकी असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट हो जाती है। उस टाइम पे टैक्स अथॉरिटीज आपकी हर एक टैक्स रिटर्न असेस करते थे। तो उन्होंने असेस किया कि ट्रीज फ्रॉम सेल ऑफ विच इनकम वॉज डिराइव्ड हैड ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद ब खुद ग्रो किए थे। मतलब स्पॉन्टेनियसली का मतलब है कि ज्यादा उनको देखा नहीं गया, बस वो खुद ब खुद ग्रो कर दे गए, और कोई विदाउट प्लॉइंग, कोई प्लॉ नहीं किया गया, यानी कि लैंड को कल्टीवेट नहीं किया गया, और एनी अदर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, और जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं वो भी नहीं हुए। एंड दैट देयरफॉर द सेड इनकम वाज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। एक तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, और अगर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी तो फिर वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी नहीं थी अंडर द टैक्स लॉ। और उस वक्त जो एक्टिव टैक्स लॉ था वो था इनकम टैक्स एक्ट 1922, और अब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसमें जो एग्रीकल्चर वगैरह की डेफिनेशंस जो है वो मिलती जुलती हैं, क्योंकि ये केस 1959 में डिसाइड हुआ था और इसका ताल्लुक असेसमेंट ईयर 1943-46 तक 47-48-49 तक। ठीक है जी, तो ये तो था झगड़ा जिस तरह हो जाता है सीबीआर एफबीआर और टैक्स पेयर्स के दरमियान। और फिर ऑब्वियसली ये लोग डिफरेंट कोर्ट्स में गए, हाई कोर्ट्स वगैरह में गए। और अगर आप नोट करें तो ये उस वक्त ईस्ट बंगाल यानी ईस्ट पाकिस्तान भी था, तो ये उसका केस है। तो मुख्तलिफ केसेस में करते कराते ये फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट में इन जजेस ने के सामने जो लीगल इशू रखा गया जब ये आया, तो ये था यानी कि ये जो है ये तो जो उन्होंने एक्चुअली किया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न भरी, ये वो जो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर्स ने किया, सीबीआर ने किया, और फिर आपस में डिस्प्यूट हुआ। तो इस डिस्प्यूट के अगेंस्ट, जैसे आपको पता है टैक्स लॉ में गिवन है कि पहले कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास आप जाते हैं, फिर ट्रिब्यूनल जाते हैं, तो ये लोग ट्रिब्यूनल गए, फिर ट्रिब्यूनल में इनमें से एक पार्टी जो है टैक्स पेयर या टैक्स अथॉरिटी, उसमें हाई कोर्ट चला गया, फिर हाई कोर्ट्स से होते होते फिर फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास यानी कि ये जो प्रेजेंट केस है, तो उनके सामने जो लीगल इश्यू था वो ये था कि वेदर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ दिस केस, यानी कि, और अभी हमने इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस नहीं देखे, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट में देखेंगे डिटेल में, वेदर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस, लेकिन ब्रीफ आइडिया आपको पता चल गया। बेसिक फैक्ट क्या है कि सेल ऑफ ट्रीज हुई है और इनकम कमाई गई है, और एसएससी ने यानी टैक्स पेयर ने एग्जेम्प्ट उसको टैक्स से क्लेम किया कि उस पर टैक्स नहीं पे करना, जबकि टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, और उन्होंने रीजन दी है कि ये जो है ग्रोथ जो हुई है स्पॉन्टेनियस हुई है, तो इस पे कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ये ट्रीज नहीं हुए। अब लीगल इशू उनके सामने इस तरह था कि वेदर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ दिस केस द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ग्रोइंग नेचुरली ऑन सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये देखना चाह रहा है कि बेसिकली इस सिनेरियो में, और ये जो सारे फैक्ट्स जो पहले इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने डिक्लेयर किए, फिर उन्होंने जारी बात है कमिश्नर इनकम टैक्स अपील, फिर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को बताए होंगे, फिर उसके बाद कुछ लीगल मैटर्स हाई कोर्ट में बताए होंगे, तो वो सब चीजें करते कराते जो है ना बेसिक जो सवाल इनके सामने रखा गया है या वो समझते हैं कि इस केस में है, वो ये है कि ये जो सेल ऑफ फॉरेस्ट हुआ है, फॉरेस्ट ट्रीज यानी दरख्त जो नेचुरली ग्रो किए हैं सॉइल के ऊपर, आया वो एग्रीकल्चर इनकम है क्योंकि विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन वन। तो मैंने आपको विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन टू सबसेक्शन वन, यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 था उसमें जो है क्या कहते हैं सेक्शन टू ऑफ सबसेक्शन वन था, जहां एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया था, जबकि अब जो है सिर्फ चेंज जो हुआ है वो ये है कि उसका सेक्शन नंबर 41 है नए वाले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। तो आया जो मीनिंग दिया गया है और स्पेसिफिक मीनिंग है, और अगली वीडियो में मीनिंग भी देखेंगे, फैक्ट्स भी डिटेल में देखेंगे, और जो कंक्लूजन कोर्ट ने ड्रॉ किया उसको देखेंगे। तो मीनिंग ऑफ सेक्शन टू में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट 1922 में फॉल करता है,
वो ट्रीज जो स्पॉन्टेनियसली या नेचुरली ग्रो करते हैं, और अगर वो फॉल करता है तो आया वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन उसी इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 43 ऑफ ओ. तो ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, सारी बात ये रेफरेंसेस उस लॉ के थे लेकिन अब सेक्शन 41 के साथ वो करते हैं. तो कोर्ट का ब्रीफ आंसर इस लीगल इश्यू जो उसके सामने रखा गया वो ये था कि अ फिस्कल स्टेट्यूट यानी एक टैक्स लॉ शुड बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली एंड नो क्वेश्चन ऑफ एन इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन अराइजेज. यानी कि अगर टैक्स पे करना है एसएससी को, टैक्स पेयर को, तो ये नहीं देखना कि उसने हाफ काम किया था या उसकी बात हाफ ठीक है. 100% अगर वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन पर फॉल करता है तब उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, वरना उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. तो फॉर रीजन स्टेटेड अबव, और ये रीजन हम अगली वीडियो में देखेंगे डिटेल में, इट इज क्लियर ये कोर्ट कह रहा है और चीफ जस्टिस साहब मोहम्मद मुनीर ये फैसला लिख रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज क्लियर दैट द वर्ड एग्रीकल्चर इज नॉट यूज्ड इन द एक्ट इन इट्स एक्सटेंडेड मीनिंग. यानी जो एग्रीकल्चर का लफ्ज है वो इनकम टैक्स एक्ट में उतना वसी तौर पर यानी यूज नहीं हुआ जिस तरीके से एग्रीकल्चर में एक उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है, और हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का भी जो है ना एग्रीकल्चर का मीनिंग देखेंगे कि वो एग्रीकल्चर से क्या मुराद है, कि सिर्फ वो चीजें जो आप सॉइल से रिलेटेड करते हैं या उसमें डेयरी फार्मिंग भी आती है, उसमें क्या चीजें आती हैं. तो इसलिए जो कोर्ट ने जो ब्रीफ आंसर दिया इस लीगल इशू का कि जो एग्रीकल्चर इज नॉट यूज्ड इन द एक्ट इन इट्स एक्सटेंडेड मीनिंग, From this it is follows that the operations which are claimed to have been employed in the present case were not agriculture. मतलब ये कि जो taxpayers ने कहा कि जी दरख्त हमने उगाए, जारी बात हमने कुछ किया तो होगा तो वो दरख्त उगे, ऐसे तो नहीं है कि वो जंगली दरख्त थे, हमने उनकी सफाई सुथराई कुछ ना कुछ और पानी देना और ये सब कुछ किया तो ये आया, ये एग्रीकल्चर पर्पस और एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है उसमें फॉल नहीं करते. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ख्याल से फ्रॉम दिस इट इज फॉलोड दैट द ऑपरेशंस व्हिच आर क्लेम्ड टू हैव बीन एम्प्लॉयड इन द प्रेजेंट केस वर नॉट एग्रीकल्चर. तो जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है उसमें ये फैक्ट्स फिट नहीं हो रहे थे. और जो केस के रीजंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टैक्स दोस्ती की अपना टैक्स मास्टर क्लास की वीडियो में आप देखेंगे टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे. और बेसिकली केस किसने जीता, केस बेसिकली हु वन द केस. तो आखिरी जो जुमला था कोर्ट के केस का वो लिखा है, एज स्टेटेड ऑलरेडी द फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रिब्यूनल विच इज बाइंडिंग ऑन अस. ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रिब्यूनल ने जो फैक्ट्स सामने रखे कि किस तरीके से ये दरख्त उगाए गए और फिर इनकी सेल हुई, इनकम क्या कमाई गई, वो सब फैक्ट्स हमारे सामने हैं, हमने देख लिए हैं. एंड दैट नन ऑफ द ट्रीज सोल्ड ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर्स, वो सारे अकाउंट ईयर्स जो मैंने आपको बताया यानी जिस जिस साल की असेसमेंट उन्होंने की 43 से लेके 49 तक की, तो ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर कुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू द सेड ऑपरेशंस. अब ये जो ऑपरेशंस और सेड ऑपरेशंस और पर्टिकुलर ऑपरेशंस की बात हो रही है, ये हम फैक्ट्स रीजंस और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से काम इन दरख्त को उगाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं थे. एंड दैट इटसेल्फ कंक्लूड्स दैट द मैटर अगेंस्ट द एसएससीज, यानी ये केस टैक्स पेयर के अगेंस्ट जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट जब एक फैसला कर ले तो वो फाइनल फैसला होता है. तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने 9th of July 1959 को डिसाइड किया कि एक प्रिंसिपल ले डाउन किया कि एग्रीकल्चर इनकम जो है क्या है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कौन सी लैंड जो है ना वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कंसिडर होगी कि यूज हुई है, और अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुई है तो उससे आने वाली इनकम डेफिनेटली एग्रीकल्चर इनकम है, और अगर वो एग्रीकल्चर इनकम है तो फिर उसको जो एग्जेम्पशन है टैक्स लॉ में वो भी वो एग्जेम्प्ट है. तो इस तरीके से ये एक सारी लॉजिक है. आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास और ये एक ब्रीफ समरी है. इस पोस्टर का बेसिकली इस टाइमलाइन का लिंक इस वीडियो के बॉटम में आपको मिल जाएगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. और उसके अलावा मशहूर केसेस पे भी बात करते रहेंगे, और पार्ट टू इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या रीजंस थी, वो क्या
डिस्कशंस थी, वो क्या कंक्लूजन्स थे जो को जिस वजह से कोर्ट ने रीच किया, और वो कौन कौन से केसेस थे जो इससे पहले जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हुए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक फैसला किया था. थैंक यू वेरी मच. यू आर वॉचिंग टैक्स मास्टर क्लास.